अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद यूट्यूब ने एक बहुत ही कमाल की अपडेट लॉन्च की है, होम पेज कस्टमाइजेशन टैब। आप लोग अपने जब यूट्यूब के होम पेज की कस्टमाइजेशन करते हैं तो पहले आप लोगों को इस तरह का पेज नज़र आता था, लेकिन अब यूट्यूब ने एक नई अपडेट लॉन्च की है, होम पेज कस्टमाइजेशन टैब, जिसमें आप लोगों को एक टैब मिलेगी, सामने आप लोगों को पेज नज़र आ रहा है। अब आप लोगों का लेआउट कुछ इस तरह का होगा। इस लेआउट को यूज़ करते हुए आप लोग अपने होम पेज की कस्टमाइजेशन किस तरह करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस समझाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर अभी तक आप लोगों के चैनल पर ये वाला टैब एक्टिव नहीं हुआ तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का ये वाला टैब कैसे एक्टिव करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नए क्रिएटर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को यूट्यूब के वाले से मजीद इस तरह की टिप्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस समझाता हूँ कि आप लोग अपने नए होम पेज कस्टमाइजेशन टैब से अपने यूट्यूब चैनल को कैसे कस्टमाइज कर। अभी आप लोगों के सामने ये मैंने अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसको ओपन किया हुआ है। इसके होम पेज पे आप लोगों को कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, होम पेज बिल्कुल खाली है। इसी तरह इसके अगर मैं अबाउट में आऊँगा तो अबाउट भी बिल्कुल खाली है, अबाउट में भी कोई चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। होम पेज के ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका जो चैनल का यहाँ पर कवर फोटो है वो भी बिल्कुल आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, जिसको चैनल बैनर बोलते हैं। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ जो चैनल का आप लोगों के सामने डैशबोर्ड है ओपन किया है। डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आप लोगों को सेकंड लास्ट ऑप्शन नज़र आएगा कस्टमाइजेशन। अगर आप लोगों को यूट्यूब की ये कस्टमाइजेशन टैब नहीं मिली तो इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये कस्टमाइजेशन टैब कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने सारी वीडियो को वॉच करना है और बिल्कुल ध्यान से समझना है, बाद में अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज की कस्टमाइजेशन कर लेनी है। कस्टमाइजेशन में, चैनल कस्टमाइजेशन में आप लोगों को ऊपर तीन ऑप्शन नजर आएंगे, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। यहाँ से आप लोग पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, लेआउट। लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से पहला जो आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। ऐसे लोग जिन्होंने आप लोगों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जब आप लोगों के यूट्यूब चैनल को होम पेज को विजिट करें तो उन्हें सबसे ऊपर कौन सी वीडियो नज़र आनी चाहिए, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो वाली वीडियो अपनी वीडियोज़ में से सिलेक्ट कर लें जो आप लोग वहाँ पर सेट करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो वहाँ पर सेट करता हूँ। यहाँ से आप लोग तीन डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ, फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। ऐसे सब्सक्राइबर जिन्होंने आप लोगों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो आप लोगों का यूट्यूब चैनल विजिट कर रहे हैं, उनको होम पेज के सबसे ऊपर कौन सी वीडियो नज़र आनी चाहिए, उसके लिए ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करें। ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लें जो आप लोग वहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। दो वीडियोज़ मैंने लगा दी हैं, एक वो जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें कौन सी नज़र आए, और उन्हें कौन सी नज़र आए जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके बाद आप लोग नीचे आए तो यहाँ पे ऐड सेक्शन का बटन नज़र आता है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ऐड सेक्शन के बाद आप लोग चाहते हैं जी मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो है वो मैं वो प्लेलिस्ट शो करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करें। ये आप लोगों के सामने मोस्ट पॉपुलर वीडियोस आ गई हैं। यहाँ से आप लोग ये तीन डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इतना करके आप लोगों के सामने इसको मैं यहाँ पर पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों की ये जो जितनी मैंने सेटिंग किया ये सेव हो जाएगी। दोबारा यहाँ पर आप लोगों के सामने होम पे या जो चैनल का मैंने होम पेज ओपन किया है इसको आप दोस्तों के सामने मैं रिफ्रेश करता हूँ। जब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखेंगे ये मैंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे ऊपर ये वीडियो ट्रेलर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो मुझे नीचे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ दोबारा मजीद ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने कोई और प्लेलिस्ट सिंगल प्लेलिस्ट को शो करना चाहता हूँ। सिंगल प्लेलिस्ट के लिए के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद क्रिएटेड प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें और ये मैंने एक और जो प्लेलिस्ट है वो आप दोस्तों के सामने मैंने यहाँ पे शो करवा दी है। ये दो प्लेलिस्ट हो गई हैं, एक प्लेलिस्ट मोस्ट पॉपुलर और दूसरी प्लेलिस्ट जो मैं खुद से प्लेलिस्ट शो करना चाहता हूँ। यहाँ से आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको ऊपर या नीचे ड्रैग कर सकते हैं इजीली, यानी कि मोस्ट पॉपुलर को अगर आप लोग नीचे शो कराना चाहते हैं, दूसरी को ऊपर शो कराना चाहते हैं तो आप इसको ईजिली ड्रैग कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। इसको ड्रैग करने के बाद आप लोग अगर इसको यहाँ पे सेव कर दें, पब्लिश कर दें तो आप लोगों को वहाँ पे अब दो प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, एक मोस्ट पॉपुलर चैनल ट्रेलर और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएगा जो आप लोगों की मैंने तीसरी प्लेलिस्ट ऐड की है। ये आप लोगों के सामने मैंने चैनल को रिफ्रेश किया, चैनल को रिफ्रेश करने के बाद होम पेज पर आप लोगों को यहाँ पर देखें अब क्रिएटेड प्लेलिस्ट हैं जो वो नज़र आ रही हैं जितनी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ मेरी ऊपर आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये मेरे होम पेज की इतनी सेटिंग होगी। दोबारा यहाँ पे आऊँ, दोबारा आने के बाद मज़ीद आप लोग यहाँ से सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं बताऊँगा, ये आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है चैनल लिंक, ये मेरे चैनल का लिंक है, यहाँ से चैनल का लिंक कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं फ्यूचर चैनल ऐड करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का तो ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड सेक्शन नो के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर अपने चैनल का मैं लिखता हूँ माई टेक चैनल। आप लोगों के सामने मैं ये एक अपना चैनल ऐड करना चाहता हूँ, माई टेक चैनल।
माई टेक चैनल करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जो भी चैनल मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ऐड करना चाहता हूँ। टेक्निकल तैयब ये मैं इस चैनल के साथ लिंक करना चाहता हूँ चैनल को। ये मैंने आप लोग जेक देखें पहले ये टिक हुआ है, पहले ये चैनल ऐड हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों ने जिस जिस चैनल को भी ऐड करना है उसको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको जस्ट ओके कर देना है। तो ये मेरा नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेरा चैनल भी आ गया। अभी इसको मैं आप लोगों के सामने ड्रैग करके ले आया हूँ ऊपर, तो ये देखें ये दरमियान में आ गया। इसको किसी को भी ड्रैग करके यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। तो अभी आप लोगों के सामने ये पॉपुलर प्लेलिस्ट माय फ्यूचर चैनल और क्रिएटेड प्लेलिस्ट ये वाला सेक्शन ऐड हो गया। ये वाला सेक्शन ऐड होने के बाद इसको पब्लिश करें और इसको सेव करने के बाद आप लोग दोबारा आएँ अपने यूट्यूब के होम पेज पर, तो आप लोगों को यहाँ पर दरमियान में मेरा जो फ्यूचर चैनल है वो भी नज़र आएगा, जो मेरा दूसरा चैनल है। दोनों प्लेलिस्ट के दरमियान मैंने उसको ऐड किया था। आपको इसको ऊपर नीचे भी उधर से कर दीजिए, देखें दरमियान में ये जो मेरी क्रिएटर प्लेलिस्ट हैं वो, दरमियान में मेरा चैनल है, ऊपर मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं। अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं ये जो दूसरा ऑप्शन है ब्रांडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ब्रांडिंग वाले ऑप्शन में जो आप लोगों को जो चैनल का लोगो है इसको चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हैं आप लोगों को बैनर इमेज, जो आप लोगों को ऊपर यहाँ पर कवर फोटो नज़र आती है ना ऊपर सबसे चैनल के ऊपर, जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं नज़र आ रही वो यहाँ से ऐड करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करो, अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करो। अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने पहले ये बैनर बना कर रखा हुआ है, वहाँ से आप लोगों के सामने मैं ये बैनर उठाऊंगा और मैं यहाँ पे अपना बैनर सेट कर लूँगा। तो बैनर आप लोगों ने कोशिश करना है पहले ही बना लेना है। बैनर मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के सामने, ये मेरा बैनर। बैनर का यहाँ पर आप लोग साइज़ सेट कर सकते हैं कि जिस साइज़ का आप लोग रखना चाहते हैं। टी वी पर ये सारा नज़र आएगा, मोबाइल पर इतना नज़र आएगा, डेस्कटॉप पर सारा। और इसको आप लोगों ने जस्ट सिंपल कर देना है डन। जस्ट सिंपल आप लोग जब डन करेंगे तो मेरा ये भी हो गया। उसके बाद नीचे आएँ, आप लोगों ने एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जेन में रखनी है, जो आप लोगों का चैनल का जो कवर फोटो होगी जिसको चैनल बैनर बोलते हैं वो आप लोगों के इन पिक्सल में रखनी है और 6 MB से उसका साइज़ कम होना चाहिए। उसके बाद दोबारा अपलोड पे आएँ और अगर आप लोग चैनल का यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं बोलूँगा कि आप लोग वाटर मार्क ऐड करना चाहते हैं, अपलोड के ऊपर क्लिक करें। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने वाटर मार्क भी बना कर रखा हुआ है, उसको मैंने आप लोगों के सामने ये आ गया। इसको यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा करने के बाद आप लोगों ने इसको भी डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे कि ये आप लोग एंड वीडियो पर शो करना चाहते हैं, खुद टाइम सेट करना चाहते हैं, या पूरी की पूरी मुकम्मल वीडियो पर सेट करना चाहते हैं। यहाँ से आप लोग इनको चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको कर दें पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के उसी होम पेज पर आना है जो आप लोगों को पहले मैंने बताया, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसको मैं आप लोगों के सामने रिफ्रेश करता हूँ। जब इसको आप लोगों के सामने मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोगों को पहले पता है कि इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक चीज़ मिस थी जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। वो चीज़ तो मिस थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि इस यूट्यूब चैनल का मेरा जो चैनल आर्ट है जिसको मैं आप लोगों के सामने कवर फोटो बोलता हूँ, कवर फोटो मेरी यहाँ पर आप लोगों के सामने मिस है। तो यूँ ही इसको मैं सेव करता हूँ, यूँ ही सेव और पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने इसको रिफ्रेश करना है। इसको रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देखेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल की जो चैनल बैनर है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कवर फोटो बोलते हैं वो भी आ चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने आना है ये जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन के ऊपर बेस इन्फो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो चैनल की डिस्क्रिप्शन डालनी है, यहाँ पर आप लोगों को अबाउट में लेके आऊँ तो अबाउट में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आप लोग ये देख सकते हैं अबाउट आप लोगों का बिल्कुल खाली सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने लिख के रखी हुई है, इसी को आप लोगों के सामने मैं करता हूँ कॉपी। इसी को कॉपी करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसी तरह इसको मैं करता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद जब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसको रिफ्रेश करने के बाद जब मैं आप लोगों के सामने अबाउट पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों को अबाउट पर यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। अभी आप लोगों के सामने ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से ऐड लैंग्वेज आप लोग अपने यूट्यूब चैनल की लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करें, जो भी आप लोग यूट्यूब चैनल की लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के यूट्यूब चैनल की लैंग्वेज है वो आप लोग यहाँ से, मैं इसको मुमन उर्दू रखता हूँ तो इसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उर्दू कर लिया। उसके बाद ट्रांसलेशन लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो आप लोग ट्रांसलेशन लैंग्वेज रखना चाहते हैं ट्रांसलेशन लैंग्वेज भी आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर रखूँगा उर्दू। उर्दू होगी यहाँ पर, आप लोग ट्रांसलेशन लैंग्वेज कोई और रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे चैनल का जो नेम है, एंटायर चैनल नेम वो सेट करना है, यहाँ पे चैनल की डिस्क्रिप्शन सेट करनी है, वो आप लोगों के यहाँ पे ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट पे आप लोगों को नज़र आ रहा है चैनल का जो जीमेल है वो ऐड करना है, मेल जिसके आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जा सके, ऐसी ई मेल आई डी जिससे कोई भी कंपनी आप लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहती है वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी है, ताकि कोई भी जो नया विजिटर है, जो नया देखने वाला है, कोई कंपनी ऐड रब्ता करने चाहती है तो यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल ऐड होगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ से अगर मैं FB का लिंक ऐड करता हूँ आप लोगों के सामने, FB का लिंक आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं जो पेज का लिंक है अपने पेज का, इस ऑफिशियल पेज का बना कर रखा हुआ है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये मेरा एक हो गया। उसके बाद ऐड लिंक आप लोगों के सामने मैं इंस्टा का करता हूँ, दो ऐड करूँगा, बाकी मैं बाद में ऐड कर लूँगा, आप लोगों ने यहाँ से देख के कर लेने हैं। आप लोगों के सामने मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से जब मैं पब्लिश करूँगा, पब्लिश करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि जो हमारी जो होम पेज की सेटिंग है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे होगी। जो अबाउट वाले सेक्शन में आप लोगों को लिंक नज़र नहीं आ रहे थे, अभी आप लोग जब अबाउट वाले सेक्शन में आएंगे, अबाउट वाले सेक्शन में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वो जो नीचे लिंक FB इंस्टा दो लिंक आ गए, चैनल डिस्क्रिप्शन आ गई, बिजनेस ईमेल आ गया और लोकेशन आ गई। तो ये कस्टमाइजेशन का तरीका कहा था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर कस्टमाइजेशन का पेज नहीं मिला तो आप लोगों ने जस्ट वेट करना है, कुछ दिनों तक आप लोगों को अपने गूगल यूट्यूब जो कस्टमाइजेशन टैब है वो मिल जाएगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आप लोगों ने जस्ट वीडियो को लाइक कर देना है, मेरे यूट्यूब चैनल को मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।